বন্দে মাতরম 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে আরম্ভ করেছো আমার এই বিশেষ সম্প্রচার। আজি দেশে পালন করেছে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। দেশের সর্বত্র উড়িছে রাষ্ট্রীয় পতাকা। দেশের রাজধানী নতুন দিল্লীত স্বাধীনতা দিবসর বর্ণিল আর বর্ণাঢ্য কার্যসূচী। লাল কিল্লাত একাদশবারের বাবে ত্রিরঙ্গা উড়াব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে। স্বাধীনতা দিবসক লো উখল মাখল পরিবেশ। খানাপাড়ার পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথারত কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করা হয়েছে স্বাধীনতা দিবস। খানাপাড়া ত্রিরঙ্গা উড়াব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বিভিন্ন জেলাত মন্ত্রিসভার সদস্য সকলে পতাকা উত্তোলন করব। লালকিল্লার পনপটীয়া সম্প্রচার আমি আগবাইছো। দেশের 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বর্ণিল তথা বর্ণাঢ্য কার্যসূচী উদযাপন করা হয়েছে গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা দিবস কার্যসূচী। দেশের বিভিন্ন প্রান্তর আমি এই বর্ণিল পরিবেশ দেখাম আমার এই বিশেষ সম্প্রচারত। আজি দেশের গৌরবোজ্জ্বল 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস আর স্বাধীনতা দিবসত দেশের হকে প্রাণ আহুতি দিয়া বীর সেনানী সকল সশ্রদ্ধ স্মরণ সোঁৱৰণ কৰা হ'ব। এয়া লালকিল্লাত একাদশবারের বাবে ক্ষন্তেক সময় পিছতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তোলন করব রাষ্ট্রীয় পতাকা। চৌদিশে বন্দে মাতরম ধ্বনিরে মুখরিত হয়েছে দেশের আকাশ বতা। তিরঙ্গে কি গৌরব গাথা হে মহান, তিরঙ্গে সে হে স্বতন্ত্রতা কা বিধান। নত মাতা শত কোটি কোটি নিত অতি আতুর অরদাস মে, আভা বিনয় বিলাস মে, লহর লহর লহরে তিরঙ্গা নিত ধরতি আকাশ মে। দেশবাসী, আজ শক্তি শৌর্য সংস্কৃতি কি খুশবু সে মহক উঠা হে লাল কিলা। আর তো আর লাল কিলে কো চারো তরফ সে ঘেরে হুয়ে শীশগঞ্জ গুরুদ্বারে কা কীর্তন, জামা মসজিদ কি আজান, গৌরী শঙ্কর মন্দির কি আরতি, জৈন মন্দির কি প্রার্থনা और सेंट्रल बेप्टाइज चर्च की घंटियां जब एक साथ गूंजती हैं तो हवाओं में अनेकता में एकता की खुशबू महकने लगती है। ये महक है नए भारत की, स्वनिर्भर भारत की, श्रेष्ठ भारत की, विकसित भारत की, जन जन से जुड़ने वाले भारत की। और तो और, आज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 78वें स्वतंत्रता दिवस के भव्य समारोह में लाल किले की प्राचीर से हमारे देश का गौरव, हमारा तिरंगा फहराएंगे, तब लाल किले को घेरे आकाश से पुष्प वर्षा प्रतीक है समृद्ध, समर्थ और विकसित भारत की। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे ना देंगे, उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, हम वंदना करेंगे। देवी और सज्जनों, अब से कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी का राजघाट पर आगमन होगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धांजलि देंगे। गत दो वर्षों की भांति आज यहां 21 तोपों की सलामी स्वदेश निर्मित होवित्जर गन द्वारा दी जाएगी। इसकी परिकल्पना एवं विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। पुष्प वर्षा करने वाले ध्रुव के नाम से विख्यात एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा परिकल्पित किया गया, आज देश आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त कदम बढ़ा रहा है। ऐसी आत्मनिर्भरता जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम में निहित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र को आत्मसात करते हुए एक समय रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा इंपोर्टर कहा जाने वाला भारत आज दुनिया के एक्सपोर्टर देशों की श्रेणी में शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वार्षिक रक्षा उत्पादन लगभग 1.27 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। प्रतीक रक्षा उत्पादन में हमारी प्रतिबद्धता का, देशवासियों, आत्मनिर्भरता आज एक सपना या संभावना नहीं बल्कि भारत का संकल्प है, और ये वो भारत है जो अपने संकल्प सिद्ध करना
जानता है। वाकिफ है अब जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ है अब जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। दो अक्टूबर एक ऐसी तारीख जब भारत की बगिया को बापू जैसा रत्न मिला। इनकी यश सुगंध से भारत का कोना कोना महका, पहली ज्योति यहां से ऐसी अखिल विश्व चम चम चमका। अंग्रेजी शासक तो इनके भय से कंपित हुए, हिले। भारत माँ को ऐसे रत्न मिले, सत्य अहिंसा का ही केवल इनके हाथों में था अस्त्र। उच्च विचारों के पोषक थे, तन पर थे बस खादी वस्त्र। देशवासियों, जिस लाल किले में आप सब मौजूद हैं, वे मुगल शासक शाहजहां द्वारा सन 1648 में बनवाया गया था। लाल किले को बनने में पूरे 10 साल लगे थे। लाल किला मुगल कालीन वास्तुकला सृजनात्मक और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है, और इसे किलाए मुबारक भी कहा जाता था। लाल किले में हमारे देश की अलग अलग संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। लाल किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि ये औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था। The clouds, as an expression of their freedom and independence, have decided to bless this event here today. A slight drizzle has started, and as the weather changes, well, so is India. India is changing, and change brings its own challenges. Governance at all levels today is about navigating these challenges, and here at Rajghat, the samadhi of Bapu, the father of the nation, Prime Minister Narendra Modi has arrived to pay homage. Reverence and gratitude, to find the path, to lead with foresight, to keep the faith and walk in spite, to hold your ground when no hope is found. That's the flame that spreads the light. Bapu's legacy lives strong. The Prime Minister will now move towards Red Fort for the flag hoisting and address to the nation. राष्ट्र का बापू को नमन, और समस्त राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन होगा। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा है? एक संकल्प क्रांतिकारियों का था देश की आजादी के लिए, और एक संकल्प लिया गया देशवासियों द्वारा आजाद भारत को, इस राष्ट्र को प्रगति। श्रद्धांजलि देने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी शीघ्र ही लाल किले की प्राचीर पर पधारेंगे। और उधर आसमान से बापू के आशीर्वाद के रूप में बरसती ये बूंदे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां आगमन होगा। देशवासियों को जी बापू का जीवन सत्य